हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से हैं? तो जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, पहाड़ पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो माउंटेन फॉरेस्ट। एज सिंपल इज दैट। लेकिन इसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो इन डिटेल जब पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे और क्या क्या क्लासिफिकेशन है और कौन कौन से इसके सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, तो माउंटेनियस एरियाज में जो वेजिटेशन पाया जाता है, माउंटेन्स स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, तो वेजिटेशन फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वहां पे जिस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है वो माउंटेन वेजिटेशन हो गया। तो यहां पे एक चीज है, देखो, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। पहाड़ पे क्या होता है कि पहाड़ पे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था ये, ठीक है, एज वन गोज अप, ठीक है, द टेम्परेचर कम्स डाउन। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ेगा, इट वुड लीड इन द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा किस चीज में? टेम्परेचर में। कैसे टेम्परेचर में कम हो जाएगा? तो जैसे हिमालयस पे खड़े हो तो आपको बहुत ही माइनस में टेम्परेचर मिलेगा, आप अरावली पे खड़े हो तो वहां पे टेम्परेचर अलग मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जमीन पे खड़े हो तो वहां पे टेम्परेचर अलग मिलेगा। अगर समझ, मतलब यहाँ ज्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम, इस तरह से ये एक फिनोमेना चलता है जो हमने क्लाइमेट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्लियर है? अब इसी फिनोमेना पे क्या होता है, इट लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन आल्सो। टेम्परेचर बदलेगा तो हमने देखा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आगे पढ़ा था, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होता है। तो यहां पे जब एकदम पूरा सर्द माहौल रहेगा तो यहां का जो वेजिटेशन होगा वो अलग होगा, यहां का वेजिटेशन अलग होगा। आया ना समझ में? तो ये जो फिनोमेना होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, दिस वुड लीड टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, वेजिटेशन भी बदलेगा। ठीक है, और ये वेजिटेशन किस लाइन पे बदलता है? द चेंज इज सेम एज इन द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। देखो, हमने आपको बताया था, जैसे ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23 डिग्री तक ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल एरिया हो गया। तो ट्रॉपिकल एरिया में जिस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है तो वो कहां पाया जाएगा? ये जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में फुटहिल्स पे, गंगा प्लेन्स पे जो वेजिटेशन पाया गया है। अब लैटिट्यूड तो वही है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड बदलते जाओगे आप, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जाओगे सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल पे अलग तरह का वेजिटेशन, टेम्परेट में अलग तरह का। ठीक है, फिर जो ऊपर पोल्स रहते हैं तो पोल पे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप लैटिट्यूड वाइज जब ऊपर जाओगे तो वेजिटेशन चेंज होगा, नो डाउट। पोल्स पे आपको पोलर बियर ही मिलेंगे, वहां पे मॉसेस और लिचेंस वगैरह ही मिलेंगी, काय कजी मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे भी वो फिनोमेना देखने को मिल सकता है एल्टीट्यूड के साथ में। कैसे? देखो, तो आप जब देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा आदमी, वेजिटेशन बदलता जाएगा। ठीक है, वेजिटेशन बदलता जाएगा एंड द चेंज इज सेम एज इन द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, नेचुरल वेजिटेशन कहां पे? ट्रॉपिकल एरियाज में, टेम्परेट एरिया में, टुंड्रा एरिया में। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन में, और जिस तरह से वो सक्सीड करता है, सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बदलता जाता है, ठीक वैसा ही फिनोमेना यहां भी देखने को मिलेगा जब आप क्या करोगे, पहाड़ पे जाओगे, एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे। यहां पे जो एल्टीट्यूड है तो वो मान लो ट्रॉपिकल एरिया वाला वेजिटेशन हो गया, ऊपर आए थोड़ा टेम्परेट हो गया, और ऊपर चले गया तो टुंड्रा हो गया। तो इस तरह से वेजिटेशन भी चेंज होता है। ठीक है, ये कहानी है। अब इस कहानी को हम समझते अगर, तो इस बेसिस पे क्या होता है, इस बेसिस पे वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड वेजिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप्स। ठीक है, हाइट के बेसिस पे मतलब पहाड़ के एल्टीट्यूड के बेसिस पे वेजिटेशन को इन तीन ग्रुप्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर्स की हाइट पे। ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं तो वो 1000 से 2000 मीटर, जैसे यहां खड़े हो आप, ये 1000 आप मान लीजिए 1500 मीटर पे खड़े हो, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाएगा। फिर द टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 से 3000 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो इसके बीच का मतलब बेंचमार्क आ गया, 1500 तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में भी पाया जाता है। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा लैटिट्यूड पे भी वेरी करता है कि टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब मान लो क्या कि 1500 मीटर कहां पे, 1500 मीटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो वो नंबर्स पे उतना फोकस नहीं करना है, एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। तो द टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 से 3000 मीटर इस हाइट पे, जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो 2500 पे, तो इस हाइट पे आपको सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। वेट टेम्परेट और टेम्परेट क्या है, अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अलग अलग दोनों के। फिर अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाएगा कहां, अबाउट 3600 मीटर, तो 3600 मीटर के बाद में अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाएगा। अब वेट टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, अल्पाइन
वेजिटेशन अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं वो सारी चीजें समझते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters। तो 1000 से 2000 meter की हाइट पे जो फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, जो वेजिटेशन पाया जाता है, वो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। जैसे आपके आपकी बुक में फोटो देखोगे आप तो आपको ऐसा समझ में आएगा क्या, किस तरह से स्लोप दिया हुआ, यहाँ पे अलग तरह का पेड़ है, यहाँ पे अलग तरह का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एकदम ऐसा कोनिकल ट्री पाए जाएंगे तो अलग अलग वेजिटेशन दिख रहा है। तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। यहाँ हाइट कम है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है, उस हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन चेंज होते जा रहा है। तो एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज लाइक ओक एंड चेस्टनट्स आर फाउंड, ठीक है, फाउंड ऑन लो हिल्स शिवालिक्स। तो जैसे ये ओक ट्री, ठीक है, ये ओक ट्री जो रहता है, तो ये ओक ट्री पाया जाता है कहाँ पे, ओक ट्री पाया जाता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। सिल्वर फिर अभी नीचे पढ़ेंगे हम। तो इस तरह के ब्रॉड लीव्स, मतलब यहाँ पत्तियां बड़ी होती हैं, किसकी, पेड़ों की पत्तियां बड़ी होती है। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे फुट हिल्स या फिर लो हिल्स की बात की जाए शिवालिक की, तो हिमालयन रेंजेस हैं। हिमालयन रेंजेस में जो सबसे हमारी आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक जो है, जो कि हाइट कम है जिसकी, ठीक है। तो शिवालिक में क्या होता है, शिवालिक में इस तरह के ओक ट्रीज पाए जाते हैं, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट, तो टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1500 and 3000 meters। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ 1500 to 3000 meters, ठीक है। इस रेंज में इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट वाला जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो ट्रीज, देखो ये पूरा फैक्चुअल है, फैक्चुअल इन द सेंस क्या है कि आपने इस चैप्टर में देखा, हमने क्लाइमेट और वाली सारी चीजें पढ़ ली, तो वहां तक सब कुछ क्या था, कंसेप्ट वाली चीज थी। अब लेकिन क्या है, अब आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, डेटा याद रखना है तो उसमें कहीं कहीं लॉजिक लग जाएगा, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको याद रखने वाली, जैसे अब ओक लीव्स, ठीक है, ओक ट्रीज और चेस्टनट ट्रीज, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। उस तरह से क्या है, ट्रीज सच एज पाइन, देओदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडार विच आर कॉनिफेरस आर फाउंड हियर, ठीक है। कॉनिफेरस क्या होता है, देखो अब थोड़ी सी हाइट बढ़ गई ना, हाइट बढ़ने के बाद में पेड़ जो होंगे तो ऐसे कोनीफेरस ट्री पाए जाएंगे, कोनीफेरस ट्री, कौन बन रहा है ना, ये कौन बन गया मैथ्स वाला। तो अब ये कोनीफेरस ट्रीज क्यों होते हैं यहाँ पे, कारण समझो, इन एरियाज में क्या होता है, देखिए क्या बोल रहे हैं, 1500 से 3000 meters, इस एरिया में कभी कभी क्या होती है, स्नोफॉल हो जाती है। अब अगर ऐसी लीव्स होंगी, मतलब लीव्स इस तरह से ब्रॉड लीव्स हैं, तो जब स्नोफॉल होगी तो लीव्स में क्या हो जाएगा, एक तरह से दोना बन जाएगा, उसके अंदर पूरा बर्फ जम जाएगा। तो अब नेचर, मैंने कहा ना, नेचर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस तरीके से। तो कोनीफेरस जब ट्रीज होंगे, स्नोफॉल होगी तो स्नो गिरेगा यहाँ और नीचे फिसल के चले जाएगा, आया समझ में। तो ये जैसे कि अब इसमें एडवांटेज क्या है, मतलब इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, तो सिल्वर फिर जैसे देखो, तो ये सिल्वर फिर कोनीफेरस है, तो यहाँ स्नोफॉल होगी भी तो बर्फ नीचे फिसल के चले जाइए से, क्योंकि कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रोजेक्शन ऐसा बन रहा है ना, वो फायदा रहता है इसका। अब पाए कहाँ जाते हैं, तो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ऑफ साउथ इंडिया, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ये इस तरह के एरियाज, मतलब हमारी कंट्री के इन पार्ट्स में, जैसे हिमालयस के जो सदर्न स्लोप्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि लो हिल्स शिवालिक के जो टॉप सरफेस रहती है, या फिर कह सकते हैं जो पीक्स हैं शिवालिक्स के, पीक्स पे पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में हिमाचल रेंज में पाए जाएंगे, तो ये वहाँ पे इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट होता है वो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो अब, तो अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड 3000 meters इन अबव द सी लेवल, तो 3600 meter और उससे ऊपर जो होता है, तो अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है। अल्पाइन वेजिटेशन में भी उसी तरह के कोनीफेरस ट्रीज पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो स्नोफॉल तय होना है, तो कोनीफेरस ट्री होने के कारण फिसल जाएगी बर्फ सारी। फिर अगली चीज क्या है, बहुत टेम्परेट वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड मेक्स अप द अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन बनता कैसे है, तो टेम्परेट वेजिटेशन उसी के साथ साथ में ग्रासलैंड, देखो दो चीज होती है, टेम्परेट वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड मतलब ये देखो आप, ये एरिया में क्या हो रहा है, इसे ग्रासलैंड कहा गया है। आप देखोगे तो ये बहुत हाइट पे है, जमीन से काफी ऊपर है, यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ क्या है, प्लेन एरियाज है और यहाँ पे ग्रास है, तो ये जो प्लेन एरिया पे ग्रास है तो ये ग्रासलैंड बनाती है, ठीक है। प्लेन एरिया इन द सेंस है तो माउंटेन्स के बीच में, लेकिन ग्रास है यहाँ पे, ज्यादा वेजिटेटेड एरिया नहीं है ना, तो ये ग्रासलैंड, उसी के साथ साथ में टेम्परेट वेजिटेशन। टेम्परेट वेजिटेशन मतलब क्या है, टेम्परेट वेजिटेशन में जैसे पेड़ आ जाएंगे, ये सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस, ठीक है, तो इस तरह के पेड़ और ग्रासलैंड दोनों चीजें देखने को मिलती है। कहां पे, इस तरह के पेड़ और ग्रासलैंड दोनों चीजें देखने को मिलती है, अल्पाइन वेजिटेशन में। तो अल्पाइन वेजिटेशन ये स्ट्रक्चर बताता है,
ठीक है, ग्रासलैंड भी क्लियर हो गया और टेम्परेट वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे रहेंगे। अब देखो मान लो सपोज करो इस इमेज में तो नहीं है कि हिल्स पे क्या है थोड़े से पेड़ पाए जा रहे हैं और हिल्स के जो कह सकते हैं जो सरफेस एरिया हिल्स के पास में वहां पे प्लेन एरिया पाया जाता है वो ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड और टेम्परेट वेजिटेशन दोनों चीजें मिलकर अल्पाइन वेजिटेशन बनाती है। पेड़ ये होते हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, ब्रिचेस, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोग्रेसिवली स्टंड नियर स्नो लाइन। अब क्या होता है कि पेड़ ये जो रहेंगे तो अब जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे क्या होगा कि एक समय तक आपको पेड़ दिखते रहेंगे, एक समय तक पेड़ दिखते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्नो लाइन के पास पहुंचोगे जहां बर्फबारी होती है ना, तो बर्फबारी में फिर क्या होते हैं पेड़ धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इस तरह की ग्रासलैंड रहती है। जैसे लद्दाख तो खैर लद्दाख का एक्सेप्शन ले लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि वहां तो बारिश नहीं होती तो वैसे भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं कहां लद्दाख से थोड़ा जम्मू कश्मीर वाले कुछ इलाकों में, तो वहां पे क्या है, वहां पे कुछ एरियाज ऐसे रहेंगे कि विंटर्स में बर्फ से ढके हुए हैं, पूरे सफेद चादर ओढ़ी रहती है और समर्स में बर्फ पिघल जाती है तो प्लेन एरिया रहते हैं। फिर वहां पे लोग क्या करते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं। तो वही चीज बताई गई है यहाँ पे क्या कि दीज ग्रासलैंड्स आर यूज्ड बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ऑफ फॉर ग्रेजिंग। अब आपके ये हिस्ट्री में है, बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है हिस्ट्री में, मतलब जो पेस्ट्रोलिस्ट एंड नोमैड्स वाला जो सेक्शन है आपका, ठीक है, नाजी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के बाद वाला चैप्टर, तो उस चैप्टर में अधिकतर बच्चों के सिलेबस में है नहीं वो, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा तो रिकॉल करेंगे कि गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ये क्या है, ये लोग विंटर्स के बाद में ऊपर मूव कर जाते हैं हिल्स पे। क्यों? क्योंकि जब बर्फ पिघल जाती है तो वहां पे जो बर्फ के नीचे दबी हुई ग्रासलैंड रहती है तो उस क्या उस कह सकते हैं रिच ग्रास को उनकी कैटल जो है वो क्या करती है, ग्रेस करती है, तो उसे यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैटल्स ग्रेस कर रही है और ये आदमी क्या कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है कि चलो आगे खाते चलो इस तरह से। ठीक है, अब दो श्रब्स थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड। और जब मैंने बताया कि पेड़ जो रहते हैं तो स्नो लाइन आते आते क्या होते हैं, पेड़ कम होने लगते हैं और फिर छोटे छोटे स्क्रब्स और श्रब्स रहती हैं, छोटे छोटे ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं, ग्रास रहती है, तो वो धीरे धीरे से अल्पाइन ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट मतलब माउंटेनियस फॉरेस्ट में हमने क्या देखा, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद में अल्पाइन वेजिटेशन देखा। तो अल्पाइन वेजिटेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अल्पाइन वेजिटेशन में वेजिटेशन टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, उसके साथ साथ में ग्रासलैंड पाया जाता है और उसे अल्पाइन ग्रासलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये सारा हो गया और ये ग्रासलैंड को यूज किया जाता है गुज्जर बकरवाल्स के द्वारा अपने कैटल्स को ग्रेस करवाने के लिए। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लिचेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। अब देखो क्या यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। आप सोच रहे होंगे टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, तो अर्थ में जैसे जो पोल एरियाज रहते हैं तो पोल एरिया पे टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, मतलब बर्फ है तो बर्फ के ऊपर कुछ वेजिटेशन होता है। अब बर्फ के ऊपर कौन सा वेजिटेशन, तो यहाँ पे काई और कजी पाई जाती है, मतलब मॉसेस और लिचेंस। जैसे आप इस पे देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि जैसे बारिश में हम देखते हैं कि बारिश में हर सरफेस पे हरी हरी सी कजी जो हो जाती है ना, जो लिचेंस हो जाती है, तो वह चीज भी देखने को मिलती है कहाँ पे, टुंड्रा वेजिटेशन में एकदम ऊपर की तरफ पोल्स पे जो देखने को मिलता है। तो अब हमने बताया था कि सक्सेशन वेजिटेशन का वैसे ही होता है कहाँ पे, एल्टीट्यूड के साथ में भी, तो जो हायर एल्टीट्यूड्स रहेंगे हायर एल्टीट्यूड्स पे भी इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, मॉसेस और लिचेंस देखने को मिलेंगे। एनिमल्स, हमने अभी तक सब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा माउंटेन फॉरेस्ट के, माउंटेन फॉरेस्ट में एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, तो एनिमल फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट, द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, ठीक है, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलॉप, याक, स्नो लेपर्ड। ठीक है, अब देखो हर चीज, स्नो लेपर्ड वहां इसलिए सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि वो उस क्लाइमेट में अडेप्टेबल है। ठीक है, स्क्वेरल्स, शेगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, ठीक, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। अब थिक हेयर वाली ही शिप और गोट यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, दूसरी शिप और गोट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा रहती है। तो इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा एकदम कह सकते हैं कि जो थिकली हेयर्ड जो कैटल्स रहती है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो शेगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स ये हो गया, तिब्बतन एंटीलोप ये हो गया, ये सारे जानवर हैं। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को पढ़ने वाले, तो माउंटेन फॉरेस्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ में हमने चार टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ ली, अब जो लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। आप अपने आप को मैग्नेट ब्रेन्स प्लस कोर्स में अपग्रेड करवा सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।